नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल बढ़ता ही जा रहा है और हिंसा में मारे गए राम गोपाल का अंतिम संस्कार रोक दिया गया है। मौके पर भीड़ उत्तेजित है और नारेबाजी के साथ माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार की सुबह भी हाईवे के ऊपर एक गाड़ी फूंक दी है और लाठी डंडा तलवार लिए लोग सड़कों के ऊपर घूमते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को समझाने की लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिशें जारी हैं, लेकिन सभी लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस प्रदर्शन करने वालों के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रही है और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए सांप्रदायिक बवाल के दौरान दूसरे दिन भी हालात बेकाबू रहे। मृतक रामगोपाल मिश्र का शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बीच उपद्रवियों ने हॉस्पिटल को आग के हवाले तक किया। साथ ही हुंडा बाइक के शोरूम में भी आगजनी की खबरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर जगह जगह पर घरों में तोड़फोड़ भी की जा रही। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है और भीड़ समुदाय विशेष इलाके की तरफ भी बढ़ गई। समुदाय विशेष की दुकानों के ऊपर हमला किया गया है और यहां पर फिर से दवाइयों की दुकान और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। यहां से आक्रोशित भीड़ अब हिंसा वाले स्थान की ओर भी बढ़ी है और यहां भी लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में आग लगाई है और काफी ज्यादा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुलिस का ये कहना है कि आप लोगों को पहले अंतिम संस्कार उस शख्स का करना चाहिए और हम एक्शन लेने के लिए तैयार, लेकिन ग्रामीण ये चाहते हैं कि पुलिस सिर्फ एक्शन ले और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू तक नहीं की है और ना ही कोई भी गिरफ्तारी की गई, ना ही किसी प्रकार का कोई भी एक्शन लिया गया। प्रदर्शनकारियों की साफ तौर पर यह मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाए। आक्रोशित भीड़ ने इस दौरान मीडियाकर्मियों के ऊपर भी हमला किया है और स्थिति यहां तक आ चुकी है कि मीडियाकर्मियों को भागकर अपनी जान तक बचानी पड़ी है। खुद डीएम और एसपी भी भीड़ के बीच घिरे हुए नजर आए, हालांकि तमाम अधिकारी लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भी भीड़ हाथों में लाठी डंडे लेकर शव के साथ तहसील मार्ग के ऊपर सड़कों का घेराव कर रही। आपको बताएं कि बहराइच हिंसा को लेकर गोपाल मिश्रा की हत्या से ठीक पहले एक वीडियो निकलकर सामने आया। इस वीडियो में साफ ये नजर आ रहा है कि गोपाल बवाल के दौरान एक घर की छत पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहरा रहा। उसे ऐसा करने के लिए नीचे खड़ी भीड़ ने मोटिव करा है और इसको लेकर कुछ देर के बाद ही गोपाल की गोली मारकर हत्या की गई। बहराइच के हरदी के महसी महाराजगंज के अंदर मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हिंसा घटित हुई थी और बताया ये भी जा रहा है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर ये विवाद हुआ है। इतना बढ़ गया है कि दो समुदायों के बीच पथराव और फायरिंग होने लगी है और इस बवाल के दौरान रेहुआ मंसूर निवासी 20 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने विसर्जन यात्रा को रोककर महाराजगंज के विरुद्ध में बहराइच और सीतापुर हाईवे को जाम कर दिया, जिससे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाईवे जाम करने के बाद गुस्साए लोगों ने जगह जगह पर आगजनी की है और आगजनी के दौरान कई लोग इसमें घायल हुए। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया है और सांप्रदायिक बवाल के बाद पुलिस लोगों से संयम बरतने की भी अपील कर रही। वहीं दूसरी ओर समुदाय के लोगों का ये आरोप है कि विसर्जन यात्रा के जुलूस में आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही है और पूरे इलाके के अंदर तनाव पैदा हो गया। पूरे इलाके में तनाव है और सोमवार को भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। माहौल को संभालने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि बहराइच के अंदर जो ये तनाव बना हुआ है ये कब तक दूर होता है और जो इसका मास्टरमाइंड है उसको लेकर पुलिस कब तक गिरफ्तारी कर पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।